रामे जुनून ड्रामे में शानी को अब एहसास हो रहा है कि आखिर वो शानजे के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, तो उसने सोच लिया कि वो तमाम प्रॉपर्टी के कागज़ जो शानजे ने उसे दिए थे वो वापस कर देगा, क्योंकि अब उसे शानजे का कोई एहसान नहीं चाहिए क्योंकि उसकी मोहब्बत उसके पास वापस लौट कर आ गई है। जब ये बात वो सजीला से कह देता है कि मैंने शानजे को तमाम प्रॉपर्टी के कागज़ वापस कर दिए हैं, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ फिर वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ी थी। सजीला तो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और शानी से कहती है कि तुम कितने बेवकूफ़ निकले, तुम घर आए दौलत को कैसे टुकरा सकते हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती और ना ही रह सकती हूँ जो बार बार इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ करता है। तो तब जाकर शानी का एहसास होता है कि आखिर सजीला कितनी लालची लड़की है, वो उससे नहीं उसकी आने वाली दौलत से मोहब्बत करती है। जब ये दौलत उसके पास नहीं रही तो सजीला भी उसे छोड़कर चली जाए। तो तब शानी सजीला से कहते हैं कि तुमसे अच्छी तो शानजे ही है जिसने बिना कुछ सोचे समझे मैं अपनी तमाम दौलत मेरे नाम कर दी और मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है, मैं भी अब उसकी मोहब्बत की कदर करूँगा, वो कहीं ना कहीं मुझे भी उससे मोहब्बत हो ही जाएगी। तो वीवर्स आपको क्या लगता है कि सजीला अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएगी, क्या वो शानी और शानजे को लग कर पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।